21 दिन का होमवर्क ओसीडी वालों के लिए। तो गंगा जी, आपने एक्सपोजर किए, अभी आपको कैसा फील हो रहा है? ठीक फील हो रहा है। बीच बीच में काफी घबराहट भी हुई, दिक्कतें हाँ, भी आई, अब कैसा? ज्यादा नहीं थी, पर ये कि बार बार वो चीज आ रही थी दिमाग में, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ गंदा हो गया, पर घबराहट इतनी नहीं हो रही थी। अच्छा, तो अब वो विचार नहीं आ रहा? नहीं, अब नहीं आ रहा, चल रहा, हो जाएगा, हो जाएगा। भी जो हुआ अच्छा हुआ या जो हुआ बुरा हुआ? वो तो थोड़ा बहुत लगा था, गलत हुआ। उस समय तो लगा था, भी बहुत बुरा हुआ। अब कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है। अब लग रहा है ना, ठीक है। तो यही होता है, जब आ रहा होता ना ओसीडी, जब वुहान पर होती है तो लगता है बहुत बुरा है। वहाँ पे घर पे तो घबराहट, बेचैनी, सांस ऊपर नीचे जा रहे थे। लेकिन आप यहाँ पे कम होगी, घर पे एक बार जरूर होगी, लेकिन अगली बार उससे कम होगी। तो आपने एक काम बहुत अच्छा किया, वो ये कि आपने कंपल्शन नहीं किया, वरना अगर कंपल्शन कर लेते तो ओसीडी ठीक कभी नहीं होता। वही काम दोबारा कर लेते ना, रिपीट। हाँ, तो आप हाथ धो लेते। कुछ लोग तो इतने ज्यादा जिद्दी होते हैं कि वो वॉशरूम में चले जाएं, कहते पेशाब करने जा रहे हैं, तो अब आप देख थोड़ी ना सकते हैं, तो वहां जाके हाथ धोए आएंगे तो क्या बिगाड़ लेंगे, वो ठीक नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन इन्होंने हाथ नहीं धोए, आपने हाथ नहीं धोए, यही आपकी जीत है। क्या समझे? हाथ नहीं धोना, हाथ कंपल्शन नहीं किया कुछ भी, वही आपकी जीत है, यही असली थेरेपी है कि आपने रोक दिया। उस समय तेरे माइंड में आ रहा था कि हाथ नहीं धोने दिए, हाथ नहीं धोने दिए, उसके पीछे गुस्सा हो रही थी, पर वो नहीं धोए, रोक गए, तो बस अब नहीं आ रहा ना। ऐसे अब देखो, मान लीजिए एक दो घंटे आप बेचैन रहे, अगली बार करेंगी आधा घंटा बेचैन रहेंगे, उससे अगली बार 15 मिनट, उससे अगली बार 5 मिनट, ऐसे टाइम गैप कम होता जाएगा। ठीक है, आपका टाइमिंग है ना, वो कम होता जाएगा। क्या समझ में है? कम होता जाएगा। हाँ, ऐसा ही होता है ना, जैसे कुछ भी हम नया करते हैं जो हमारी आदतों के खिलाफ हो, तो शुरुआत बड़ी औखी होती है। जैसे फौजी की ट्रेनिंग होती है, 4 बजे उठ के दौड़ लगाना, पहली बार करते हैं तो लगता है ना क्यों फौज में आ गए, वो भागने की सोचते हैं ना। कैंप में से बहुत से लोग भागने की भी ट्राई करते हैं, ट्रेनिंग में से भाग आते हैं, भाग आते हैं ना कुछ तो, लेकिन कुछ जो ट्रेनिंग को पास कर जाते हैं, फिर साल दो साल बाद वो सुबह अपने आप ही उठ के दौड़ने लग जाते हैं, घर पर छुट्टी आएंगे दौड़ने लग जाएंगे, क्योंकि वो उनके पैटर्न बन चुके हैं। ऐसे अब हाथ धोने का पैटर्न बन चुका है ना, 3 साल में वो आदत सेट हो गई है। अब हमने 3 साल की आदत को ब्रेक करके नई आदत डाल रहे हैं, मुश्किल तो होगा ना, सबके लिए मुश्किल होता है। आप एक देखो, छोटी सी आदत है चाय पीने की, आप चाय छोड़ के देख लो, बार बार मन चाय पे भागेगा, भागता है ना। अब इस जेब में रुमाल रखते हैं, इस जेब में रख के देख लो, बार बार हाथ यहीं जाएगा। हम सेट हो जाते हैं आदतों में, हम ढल जाते हैं, दिमाग के अंदर न्यूरल पाथवे बन जाते हैं, कनेक्शन बन जाते हैं। तो ऐसे ही आपके 3 साल में कनेक्शन बने हुए हैं, तो अब आप उन कनेक्शनों को छोड़ रही हैं और नए कनेक्शन बना रही हैं, दिक्कत आ रही है ना, इस दिक्कत को सहन करना है। इसीलिए ये 21 दिन का प्रोसेस है कि आपको 21 दिन जो सिखाया जा रहा है वही फॉलो करना है। 21 दिन के अंदर न्यूरल पाथवे नए डेवलप हो जाएंगे, नए पैटर्न बन जाएंगे, बस 21 दिन का ही परहेज है और कुछ भी नहीं है। ओके, तो होमवर्क आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने बिजी रहना है, फ्री नहीं रहना, आप घर पे ही ज्यादा रहती हो ना। हाँ। तो 21 दिन के लिए आप घर में मत रहो, आप वो करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, रुचि हो। किस में रुचि है? वो डांस वगैरह में जाता है। हाँ, डांस में जो भी है, तो मैं आपके पति देव से रिक्वेस्ट करूंगा कि 21 दिन के लिए इनको कोई डांस क्लासेस, कोई कोचिंग, जहां पर ये बिजी रहे वो ज्वाइन करवा दो। सुबह जाएंगी शाम तक जितनी भी देर रहो बिजी रहो, मेहंदी वगैरह लगाना, ये सब मुझे अच्छा लगता है। हाँ, ब्यूटी पार्लर वाला काम है, तो वो चाहे सीखो चाहे करो, 21 दिन के लिए आप बिजी हो जाओ, घर में मत रहो, पैटर्न डिलीट बहुत आसानी से होंगे और नए पैटर्न डेवलप हो जाए। 21 दिन ये करना है, क्या समझे? बिजी रहना है। हाँ, खाली नहीं रहना, खाली नहीं रहना, किसी न किसी काम में अपना लगाए रखो। हाँ, किसी उस काम में जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, बोरिंग में नहीं, जो काम आपको अच्छा लगे, कुछ भी कर सकते हो, पैसे के लिए नहीं करना, अपने इलाज के लिए करना है। तो पैसे मिल रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन इलाज के लिए आपको 21 दिन
ये होमवर्क करना होगा, यही मेन होमवर्क है, क्योंकि डेली रूटीन में ढले हो ना, सुबह उठना वही करना। तो आप 21 दिन किसी दूसरे से भी कोई ज्यादा काम है घर का तो करवा सकते हो। वैसे मुझे लगता नहीं ज्यादा है, बच्चों की छुट्टी है। हाँ बच्चा तो वैसे भी वो तो बड़ा है, वो तो बाबा मम्मा के पास आ जाएगा, कर ली मैच चढ़ेगा। और हमें तो दुकान पे जाने जाना है, हमारा रूटीन कोई चेंज होने का नहीं। आपको रूटीन, इनका रूटीन चेंज करवाना है। 21 दिन के लिए आप सोच लो कि कहाँ ज्वाइन करवाना है इनको, जहाँ भी बढ़िया लगे। हाँ जहाँ आपको ठीक लगे, अब उसके बारे में सोचो। अपनी बहन के पास वहाँ पे आराम से मस्त रहे, घूमने जाना है दो चार से दिन कई बार, हम वो भी जा सकते हैं, घूमने चले जाओ। देख लेंगे दो चार दिन के लिए और किसी को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि उस समय जाओगे देखो जैसी बातें मन में आएंगी वैसा ही हो जाता है ना, तो वहां जाओगे तो अलग विचार आएंगे, तो ये ओसीडी विचार फंसेंगे नहीं फिर, क्योंकि एक समय में मन में एक ही विचार रह सकता है, दूसरा विचार नहीं आएगा। अब देखो थोड़ी देर पहले ये विचार फंसा हुआ ना, कि पैर लग गए, हाथ लग गए, वो धोया नहीं, वो विचार फंस गया था, तो क्या बाकी विचार आए? अब वो विचार निकल गया तो बाकी विचार आ गए। अब जब घूमने वाला विचार फंस आ गया मन में तो बाकी विचार फंसेंगे नहीं। अब काम कर रहे हो जिसमें इंटरेस्ट है तो वो विचार तो आएंगे ना, तो वो विचार आएंगे तो ये विचार नहीं आ पाएंगे। अब खाली दिमाग है तो उसमें ओसीडी के ही आएंगे। क्या आएंगे? ओसीडी के आएंगे। खाली दिमाग ओसीडी का घर, ये कहावत है, कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। लेकिन ये कहावत पूरी इस तरह से होती है कि खाली दिमाग बीमारी का घर, उसमें ओसीडी भी है। खाली बंदा लड़ाई भी ज्यादा करेगा, खाली बंदा ही फालतू के काम करेगा, जिसके पास समय नहीं है वो करेगा, वो तो अपने काम पे बिजी रहेगा ना। कोई वैज्ञानिक कलाकार ये लड़ाई करते हैं, जो फालतू के उनके पास कुछ है नहीं करने को तो चलो लड़ाई ही कर लेते हैं। अब दिमाग के पास कुछ है नहीं क्रिएटिविटी कुछ करने को, कहीं दिमाग लग नहीं रहा तो चलो बीमारी में ही लग जाते हैं। दिमाग को तो कहीं ना कहीं लगना है, चाहे इसको अच्छे काम में लगा दो चाहे नहीं, तो बुरे काम में तो अपने आप ही लग जाएगा। खुला छोड़ो, खुला तो छोड़ते ही तो ये तो कहीं ना कहीं तो जाके लग ही जाएगा। समझ में आ रही है? हाँ। क्या समझे? माइंड को फ्री नहीं रखना, बिजी रखना है। हाँ अपने आप को बिजी रखो। अब सोच लो कि क्या करना है, अब यही विचार रखना कि मुझे करना क्या है, चाहे कुछ भी करो जो इच्छा, मैं थोप नहीं सकता आप पर भी, ये करो, मैं सिर्फ आपको दिशा निर्देश दे सकता हूँ, आपको एक मार्ग दिखा सकता हूँ कि ये करो, इस मार्ग पर चलो, बाकी चुनाव आपने करना है। और उसके साथ साथ घर पर जाते ही ये कपड़े जो अभी आपने बदले नहीं है, वो पीला सूट तो पहन लेना था ना, नहीं बिना नहाए भी पहन सकती हो ना, तो गर्मी पड़ रही है, बिना नहाए तो नहीं रहा जाएगा, जो गर्मी में मैं कहीं नहीं रहा जाता ना, कोई बात नहीं, बिना नहाए वैसे पहन तो लेगी, कोई दिक्कत कुछ नहीं, पर अगर नहा के सफर में तो थोड़ा रिलीफ है ना, सफर जाना हो ना तब नहा के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैसे ओसीडी कोई तब नहीं नहाना। हाँ वो तो कपड़े भी तो पहनूंगी, बस बस सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा इतना है कि जब ओसीडी कहे कि नहीं पहनना गंदगी फैल जाए गंदे हो जाए, तब तो नहाना वो उल्टा करना है, उसका उल्टा करते जाना है सारी चीजों में। ठीक है आप समझ गए, मैंने फार्मूला बता दिया, मंत्र दे दिया। और कपड़े आप जो लेके जाओ बिना धुले हैं, ठीक है, इनको जाते ही अलमारी में सारे कपड़ों से टच कर देने, सारे घर में सारा घर का काम करना है। और जब मन लगे कि अब कुछ नहीं है फिर नहा लो, चाहे ऐसे नहीं नहा लेना कि अब मैं नहा लेती हूँ नहीं तो सारा घर गंदा हो जाएगा, उस समय नहीं नहाना। ठीक है जी, नहीं ऐसे पहुंचते ही पहले नहा लेती हूँ, तो बाद में कुछ होगा। हाँ बाद में नहीं, पहले अपने कामों को सारे काम करो। बाकी पोटी गंदी होती नहीं, जड़ी जब गलत थी भी, पोटी जब गंदी नहीं थी तो फिर छींटे पैर कहाँ गंदे हो गए, फिर धोने की आवश्यकता थी नहीं। हम तो इतने दिन झूठ मूठ का ही कर रहे थे ना, रोंग बिलीफ में जी रहे थे, अर्थात गलत धारणाओं में जी रहे थे ना। जैसे इंसान की आंखों पर जैसा चश्मा लग जाएगा वैसा ही दिखाई देगा, आपके ऊपर ओसीडी का चश्मा लगा हुआ था तो उस चश्मे से गंदा ही गंदा दिखाई दे रहा था, लेकिन रियलिटी में चीजें गंदी होती नहीं। क्लियर? तो अभी क्या करना बाकी रहा है बताइए, अभी क्या क्या लगता है कि ये और कर लूं, ये रह गया,
नहीं अब तो सारा जो दिक्कत थी वो तो हो गई सारी, लाइट वगैरह जाने में, गैस नहीं पहनने, हाथ धोने वाला, चूड़िया पहनने, वो तो सारा कुछ हो गया। अच्छा चूड़िया वाला तो हो गया ना। हाँ। और डस्टबिन वाला भी हो गया। और वॉशरूम में चप्पल ले जा नंगे पैर जाने वाला वो दोबारा भी कर लेंगे। चप्पल तो गलती से भी उतर जाती थी तो दिक्कत हो जाती थी, पैर गंदा हो तो नंगे पांव जा चुकी है तो करने। एक बार और जा लेना है, ना एक बार ये और कर लेना, करके देख लेना, मुझे कहना कि सर मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। और दूसरा वो हैंड शावर वाला वो करके देख लेना, और लास्ट में फिर और बड़ा करवा देंगे। हैंड शावर वाला है ना, सुनने से दिक्कत नहीं होती थी, वो क्या है ऊंचाई पे लगता है। हाँ, वहाँ ऊंचाई पे लगा हुआ ना, तो वहाँ बैठने वाले में सिर गंदा हो जाएगा इससे। वो आप सिर पे लगाना है, ठीक है, तो वो कंडीशन खत्म हो गई है, उसे हाथ लगा के सिर पर से लगा लिया। हाँ, तो अब तो कुछ नहीं है। हाँ, तो वो इस वजह से फिर मैंने वो नीचे लगा के वो नीचे सेट कर दिया था वहाँ पे, चलो दिक्कत ना हो ऐसे एडजस्ट कर लेते। अब सिर पे भी लगा लो, जब हैंड शावर गंदा ही नहीं है, चाहे सिर पे लगाओ, पैरों पर लगाओ, मुंह पर लगाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है है ना। जब है ही गंदा नहीं तो कहीं लगाओ चे बताओ। हाँ। क्या समझे, गंदा नहीं है। जब गंदा है ही नहीं तो फिर क्यों डर रही हो? जब तो डर लग रहा था, अभी तो नहीं लग रहा। अब नहीं लग रहा ना? नहीं लग रहा। अब तो उतार के भी ले जा सकते हो। देखो जब तो इतना डर था कि 15 रिपोर्टी वहाँ पड़ी है, कपड़े जहाँ सूख रहे तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, उड़ के थोड़ी आ रही है, तो दूर से कोई दिक्कत नहीं है। वो एक्सपोजर ना आपने करना है, मुझे वीडियो भेजते रहे ना। अब आपने छत पर जाना है, बंदर की पोटी हो तो उसके पास जाना पहले पहले पूरा। अब ना आपने टुकड़ों में करवा देना है, जैसे मैंने बड़े एक्सपोजर करवा दिए ना कि पोटी दिखा दी दूर से, घबराहट हुई पहले, होगी बात नहीं तो 2 मिनट रुके इधर उधर, फिर 5-10 मिनट बाद में पास गए तो बिल्कुल पास चले गए, फिर छोड़ देना वापस आ जाना कोई काम में लगे, फिर तीसरी बार में बिल्कुल पोटी के पास चले गए, ऐसे कर करके फिर कपड़ा भी लेके चले गए, कपड़ा भी डाल दिया। कंडीशन पोटी से कोई दिक्कत नहीं, पोटी को तो ये उठा के फेंकते हैं, पर इनको दिक्कत ये है अगर सर पर पोटी पड़ी है तो कपड़े सूख रहे हैं, तो गंदे हो जाएंगे। तो अब आपने कपड़े ही लेके जाने हैं अलमारी वाले। ये पोटी को तो इसे कह दो पोटी डाल दो तो उसे फेंक के हाथ धो के अपना फ्री, तब दिक्कत ये है कपड़े मेरे सूख रहे हैं, बंदर कोई पोटी कर गया या निकल गया तो गंदे हो जाएंगे बस। अब कपड़े लेके जाना है छत पे, कपड़े लेके जाना है, जब पहले पोटी दिख गई, बंदर दिख गया तो वापस आ गए, फिर बंदर के पोटी के पास चले गए, फिर और ज्यादा पास, ऐसे टुकड़ों में एक्सपोजर करने। कपड़े डाल दे रहे सारे। अब पास तो चली जाती हूँ, काम भी करने लग जाती हूँ। हाँ, फिर और वो ये है ना, ऐसे ऐसे पास करूँ, लैट्रिन पड़ी है और मैं कपड़े डाल ली, वैसे पास तो चले, इनको भी बता देते हैं ऐसे लैट्रिन पड़ी हुई है, कपड़े नहीं डाल ली, यहाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो मैं गेट पे भी कभी कभी पड़ जाती हूँ, वहीं से पास से निकलती हूँ, बच्चे भी निकलते हैं मेरे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कपड़े डालने दिक्कत होती है, अब वो दिक्कत खत्म करनी, उन्हें डालना है कपड़ा। आप लगता है आप कर लोगे? हाँ, तो अब टुकड़ों में करना है धीरे धीरे, और वीडियो रिकॉर्डिंग अपने फोन में जरूर कर लेना आप, ठीक है, और उसको देखना, फिर उसको आपने वॉच भी करना है कि अभी मेरे को घबराहट हुई, अब दोबारा जाऊंगी, उससे आगे बढ़ते जाना है, एक एक कदम आगे बढ़ना। जो चीज नहीं होती बॉडी वो भी दिखाई देती है, वो तो आंखों में है ना, पक्षियों की ईंट पड़ी हो, हमारा ध्यान पोटी पड़ी है ना। अब देखो किसी कोई शादी में जाता है तो खाने पीने पर ध्यान रखता है, ओसीडी वाले गंदगी पे ध्यान रखते हैं, मजा नहीं आता ना जिंदगी का, भी हम मजा ही नहीं ले पाते क्योंकि हमारे दिमाग में तो गंदगी आ गई। वो पीली चीज भी पोटी लगने लग जाती है, पीली दाल पीली चीजें, तो क्योंकि पोटी पीली होती है, तो ये ना ओसीडी एंजाइटी जो रिलेटेड चीजें उनमें भी पैदा कर देती हैं, जो सेम सेम चीजें हैं ना उनसे भी वहम आने लग जाता है। जैसे मेरे पास तो ऐसे आया कि एक लड़की थी, उसको एक उसका कोई बॉयफ्रेंड था, उससे कोई झगड़ा हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया दोनों का, तो उस बॉयफ्रेंड का जो नाम था, उस नाम के जो भी व्यक्ति हैं उससे भी घबराहट होने लगी, उस नाम से भी हो जाती है, फिर उस नाम से उस बंदे से रिलेटेड जिसकी शक्ल है उससे भी घबराहट होने लगी, फिर उसका जो शहर था उस शहर के लोगों से भी घबराहट होने लगी, ऐसा हो जाता है मन, तो ऐसे घबराहट पैदा करता है जितना डीप जाते जाएंगे ना उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा मामला। अब पोटी को ज्यादा सीरियस ले लिया
तो पीली चीजों में भी वो आ गया। फिर और ज्यादा चले जाओगे तो जानवरों की, फिर मक्खी भी आ जाएंगी। कुछ लोगों के जीवन में ये मक्खियां हैं, इनसे भी बहुत डरते हैं कि ये वॉशरूम में गई होगी, वहां बैठी होगी, अब मेरे ऊपर बैठ गई तो मैं भी गंदी होगी। तो कुछ भी हो सकता है ना, दिमाग तो कुछ भी कल्पना कर सकता है, लेकिन वो दिमाग की कल्पना सच नहीं है। आपने इतना याद रखना कि अरे मेरा ओसीडी माइंड है, ये तो बकवासबाजी कर रहा है, आ जाओ ओसीडी के विचार, उनको ज्यादा बुलाना है तो वो ब्रेक हो जाएगा ना। अगर उनको सच मान लिया और एक्शन ले लिया तो ओसीडी बढ़ जाएगी। बस इतना खेल है। तो काफी कम है, जल्दी हो जाएगा। ये तो हो गया, हो जाएगा क्या, हो ही गया। अपने आप को 100 में से कितने नंबर दोगे ठीक होने में? 100 में से 90 तो हुआ। 90 नंबर तो बहुत ज्यादा हो गए, इतना टीचर। तो अगर मैं घर पे करूंगी वो थोड़ा बहुत, घर पे तो हो ही जाएगा, घर पे मुश्किल नहीं है, घर पे बहुत आसान है। घर पे 21 दिन प्रैक्टिस करनी है। ये आपके पतिदेव बड़े अच्छे इंसान है, अच्छे मोटिवेटर भी है, ऐसे काउंसलर भी है। नहीं मैं कहता हूँ देखो, नहीं बुरा तो देखो, पति अपना सबको ही बुरा लगता है। देखो पति, देखो मैं सच्ची बात बताता हूँ, जो अकाउंटेंट होता है कितना भी बड़ा हो दुनिया का हिसाब रख लेगा, लेकिन उसका हिसाब तो पत्नी रखेगी। वो दुनिया के लिए अकाउंटेंट हो सकता है लेकिन पत्नी के लिए तो भाई वो नहीं है। कितना बड़ा प्रधानमंत्री हो, उसकी बीवी हो तो उसके आगे थोड़ी ना चलेगी, उसकी पूरे देश पर चल सकती है लेकिन बीबी के आगे नहीं चलेगी। आप कितना ही बढ़िया समझा लो लेकिन इनके आगे आपकी समझदारी फेल है। अब मैं घर में हूं, मैं काउंसलर हूं दूसरों के लिए, घर में थोड़ी ना काउंसलर हूं। घर में मेरी मानते हैं क्या? घर में कहेंगे तेरे को ज्यादा पता है क्या, हमें पता है। अब मैं बाबाओं में इन पंडे में बिलीव नहीं रखता, इनको पीट भी देता हूं। अब घर वाले रखते हैं, अब मैं उनको नहीं समझा सकता। अब मैं कहता हूं भाई उस बाबे के पास नहीं जाना, वो कहते हैं चुपचाप रह, चलना है तो चल, नहीं तो देख ले। अब भाई मैं तो ड्राइवर बन के जाना पड़ता है। बीबी के आगे पति फेल है, तो इसलिए आप इस बात में ये ना कहो भी मैं समझदार हूं लेकिन मेरी पत्नी नहीं मान रही है। भी पत्नियां किसी की भी नहीं मानती। सही बात, सच सच तो सच तो यही है, झूठ बोलने को कुछ भी कह दो भी पत्नियों पर तो चलेगी नहीं। इसलिए मेरी पत्नी को भी कभी समझाना होता तो मैं अपने दोस्तों की या दूसरों की हेल्प लेता हूं, क्योंकि मेरी बात तो मानेंगी नहीं, तो मैं किसी तरीके से कोई दूसरा कहे तो मान लेती है। अब आप मेरी बात सारी मान लोगे लेकिन इनकी बात नहीं मानी जाएगी। इनको कहे तेरे को ज्यादा ज्ञान है क्या? हाँ, और वो गुस्सा भी आएगा यार तू ऐसी बकवास कर रहा है। नहीं सच्ची बात बता रहा हूँ, होता है ऐसा। ऐसे तो इज्जत रखने के लिए, रिस्पेक्ट के लिए सुन ले भी लेते हैं, ऐसे तो आप बड़ाई भी कर देते हैं, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है ना। भी प्यार है, सब कुछ है, ये नहीं कह सकते भी प्यार नहीं है, प्यार तो है ही है, लेकिन मानना प्यार के हिस्से में नहीं आता। हम मान जाएंगे ये थोड़ी जरूरी है, भी प्यार करते हैं इसका मतलब ये थोड़ी है तेरी सारी बातें मान लेंगे। और जहां प्यार होता है वहां मानना होता ही नहीं, वहां तो आजादी होती है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं। बहुत सही है, सारी बात है। कभी किसी चीज का कोई ने जिंदा आज तक किया नहीं, मुझे यही चाहिए यार, घर में सारी यही फैसिलिटी चाहिए, पहनने उठने के लिए चाहिए, बस ये सुख शांति से जो है वो ही सही है, कुछ नहीं चाहिए, आराम से शांति रहे घर में, कोई दिक्कत नहीं, बस कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं यही तो होता है ना, आप दोनों देखो एक दूसरे से हेल्प कर रहे हो, वरना मैंने देखा है पतियों के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता, वो तो डांग पर डेरा होता है उनका। अब उन्होंने एक बार कह दिया नहीं मानी तो बस सीधा डांग वाला तरीका है, वो तो गुस्सा हो जाएंगे, मारने पीटने पर तैयार हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो इसलिए आप लकी हो कि आपको एक सही इंसान मिले। अब यहाँ पर मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, घर पे तो आप जानती हैं। तो कभी जब यहाँ पर ओसीडी की दिक्कत आई, अब ओसीडी में कभी गुस्सा आ गया तो मारा पीटा तो आज तक नहीं हुआ, 11 साल हो गए साथी में, कुछ नहीं, डांट दिया तो जैसा अच्छा लगे अपना कर, दुकान चला। ये तो होता है, लेकिन जो भी है अच्छा है। ये तो पति पत्नी के रिश्ते में तो नोक झोंक तो जरूरी है, और जो लगता है ना कि कभी लड़ते नहीं है तो वो बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, फिर सीधा तलाक ही होता है। छोटी छोटी लड़ाई हो जानी चाहिए, प्यार बढ़ता है, प्यार है वो तो पूरे दिन होती है। हाँ होना ही चाहिए, यही तो रिश्ता है पति पत्नी का। हाँ ये तो नॉर्मल है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन। एक दूसरे को गाली देने का मन में आए गाली भी दे लो, दूसरे का मन में जो दूसरे को लगे तो दूसरा दे दे, शाम को वैसे की वैसे
नहीं तो पत्नियां अक्सर कहती है ना कि ये तो बच्चों की वजह से ठहरी हुई हूँ, वरना कब की छोड़ के चली जाती होता जो भी है तो ये तो पार्ट ऑफ तो ये तो पार्ट ऑफ जॉक है। ठीक है, तो अब और कुछ भी पूछ लें लायक कुछ भी ऐसा हो जो मैं बता पाऊं तो आप पूरा पूछ सकती हो, अभी हमारे पास समय है, कुछ भी लगता है तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा जो भी सवाल है आपके हैं। जैसे आप तो ये कंडीशन हो जैसे बाजार से आपके हाथ धोने का साबुन लेके आते हैं तो अगर इनके पहले कोई दिक्कत नहीं थी, अब एक दो बार से क्या उसके साथ अगर नहाने का साबुन आ गया तो इन दोनों को ले जाओ रिटर्न। अब इकट्ठा लाना, जानबूझ के इकट्ठा लाना, अब उल्टा करना है। एक दो बार से चार छह दिन पहले से इकट्ठा हुआ है, उससे पहले तो मैं इकट्ठे ले गया था, उस दिन लेके आया हूँ दोनों से, दोनों को ले जाओ मुझे नहीं। अब इनकी बात इनका उल्टा करना है। देखो मैं बताता हूँ, ओसीडी बढ़ती है कंपल्शन करने से, और कंपल्शन इंसान कई बार दूसरों से भी करवाता है, जैसे आप इनसे करवा लोगी, बच्चों से करवा लोगी, इससे ओसीडी बढ़ती जाएगी। तो आपने दूसरों से तो करवाना ही नहीं, पहली बात तो आपकी समस्या है, दूसरों को इसमें क्यों झोंकना, आप समझ गए ना, ये तो ओसीडी का लक्षण है, तो दूसरों को क्यों इसमें धकेलना, और दूसरों आपने इनका कंपल्शन करना नहीं, उल्टा कर देना है। जब ये कहीं भी चप्पल बाहर खोल के आओ तो सारे चप्पल अंदर ही ठोंक दो, फिर आप कहोगे इसे ना कहती तो ठीक होता। ऐसा हो जाएगा ना, तो आपने उल्टा करना। अब बस दो बातें हैं, ओसीडी लातों का भूत है, सिर्फ और सिर्फ बातों से नहीं मानेगा, इसको तो सामना करके मार के भगाना होगा, इसलिए आपको जबरदस्ती करना होगा। ये मैं फोर्सफुली इतना इसलिए करवाता हूँ क्योंकि ओसीडी जिद्दी रोग है जो बातों से नहीं मानता है, इसको देना ही पड़ती है डोज, तो आपको बार बार एंजाइटी वाला काम करना होगा, जितना ज्यादा करती जाओगी उतना ठीक होती जाओगी। मेडिसिन के बारे में पूछ रहे, मेडिसिन अगर इसके साथ लोगे